जय माता दी, जय श्री राम। तो वो रहा कि वो मंदिर जहाँ सुल्तान। तो चलिए शुरू कर। तो यूं ही निकल चुके हैं कुछ कहे से रास्तों पर, कुछ अनचाहे से रास्तों पर। अभी निकल चुके हैं एक दूसरे शहर में, बोले तो ज़्यादा लंबा तो टूर नहीं है लेकिन काफ़ी हद तक बड़ा टूर तो है ही। तो चलते हैं और आप लोगों को भी जर्नी वगैरह दिखाएंगे। तो बने रहें वीडियो में और एक लाइक करते हुए आगे बढ़ते हैं वीडियो को। आप जो देख सकते हैं अभी वो क्रॉस कर रहे हैं रोड, तो वही हमको जो है यहाँ तक छोड़ दिए हैं आधे रास्ते तक। और जैसा कि अभी हम हैं बदैया सुल्तानपुर में, बदैया हो सकता है आप लोग जानते हो जो लोकल के हैं। तो यहाँ से मुझे जाना है चांदा, तो अभी यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर और है। तो अभी देखते हैं यहाँ पर अगर कोई सवारी मिल गई या कोई लिफ्ट मिल गई तो वहाँ से निकलेंगे। बाकी बंदे जो बंदा था वो थोड़ा सा कैमरा सही बंदा था, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हुई उसको कैमरे में आने में, तो इसलिए मैं उसको ज़्यादा शूट नहीं किया। तो अभी चलते हैं फिर देखते हैं, कोई मिल गया तो ठीक है, नहीं तो सवारी वगैरह तो आएगी ही थोड़ी देर में। तो बने रहें, बाकी एंजॉय करिए। ये है नेशनल हाईवे 56, एंजॉय करिए आप लोग। अभी जस्ट पहुंचने वाले हैं चांदा और दे सकते हैं एम्बुलेंस। तो अभी एम्बुलेंस जो है हम आए हैं अपने लोकेशन पर, और यहां से अभी हमको चलना पड़ेगा 6-7 किलोमीटर समथिंग। पीछे दे सकते हैं ये एम्बुलेंस थी, तो हेल्प किया इन लोगों ने, मुझे अच्छा भी लगा थोड़ा सा और थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन मुझे मज़ा आई फिलहाल जो भी था। अभी सीधे चलते हैं, थोड़ा सा आगे जाने के बाद मुझे निकलना है चांदा, मामा के घर पे जा रहा हूँ थोड़ा सा घूमने टहलने, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो यही है वो एम्बुलेंस जिसने लिफ्ट दिया, बहुत बहुत थैंक यू। तो बस अभी चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं, देखते हैं क्या प्रोसेस होता है, कहाँ गाजीपुर। देख सकते हैं ये लखनऊ और बनारस वाला जो हाईवे है काफ़ी सही तरीके से बनाया जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर कार्य प्रगत पर है। और ये लिंक रोड है और सामने वहाँ पे मंदिर है, वहाँ से जाना है हम लोग को पट्टी रोड पर, बोले तो प्रतापगढ़ रोड पर। तो निकलते हैं बस लगभग यहाँ से 500 मीटर, उसके बाद हम लोग निकल चलेंगे आगे। तो भाई चलते हैं, काफ़ी सही एक्सपीरियंस था अपना एम्बुलेंस से बैठ कर आने में। और एकाएक उन लोगों ने पूछ लिया, मैं खड़ा था रास्ते में तो मैं बैठ लिया, और अगर मेरे पास कोई कॉल वगैरह आई तो मैं फीडबैक भी बहुत ही बढ़िया दूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक गवर्नमेंट की गाड़ी थी तो इसलिए हाथ देना भी उचित नहीं था। लेकिन जब उन लोगों ने खुद पूछा तो फिर हमने कहा भाई ठीक है, बढ़िया जो भी है, चलने में क्या दिक्कत है। तो इसे जो हाइकिंग रही अपनी, हाइकिंग ही बोलते हैं, आई डोंट नो, शायद हाइकिंग ही बोलते हैं, काफ़ी बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो एक्सपीरियंस था उसके बाद वो गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट का मिल गया, तो सही था जो भी था। 30-35 किलोमीटर की जर्नी थी पूरी और काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। तो अभी चलते हैं अपने डेस्टिनेशन पर, उसके बाद फिर देखते हैं जो भी चीज़ें हुई बताऊँगा। बाकी सब बढ़िया, एक लाइक बनता है इस एफर्ट के लिए। और आप लोगों से भी कहूँगा कि हो सके तो हाइकिंग का एक्सपीरियंस लीजिए, लोग बैठिए, रोक करके बैठिए लोगों को, और पैसे भी बचेंगे और इन्जॉयमेंट भी, जो सबसे बड़ी इन्जॉयमेंट है वो भी मिलेगी आप लोगों को।
तो अभी चलते हैं बस थोड़ी दूर और। बाकी ये नाला देखिए हाईवे वाला जो व्यवस्था की गई है, ये देखिए कितना अंदर है भाई साहब, इसमें आदमी घुस जाए पता ना चले कहाँ चला गया। तो काफ़ी सही है ये। ये वो मंदिर जहाँ से अब हम लोग को मुड़ना है, प्रतापपुर कमेचा शिव जी की मंदिर है ये। तो चलते हैं देखते हैं, निकलते हैं यहाँ से। तो ये है चांदा की क्रॉसिंग और उधर सामने पड़ता है चांदा रेलवे स्टेशन और वहाँ सामने है चांदा रेलवे स्टेशन। एक बार दिखाता हूँ आप लोगों को थोड़ा सा। तो वो रहा चांदा रेलवे स्टेशन सामने जो रेड रेड कलर का है। तो यहाँ पे पैसेंजर वगैरह पहले रुकती थी लेकिन अभी नहीं पता है कि क्या चलती है क्योंकि पैसेंजर बंद हो चुकी है। और इधर सुल्तानपुर जाते हैं लखनऊ रूट, अभी चलना है हमको मात्र 7 किलोमीटर और यहाँ से। अभी जस्ट गुलालपुर क्रॉस किए हैं। गुलालपुर जो सुल्तानपुर का बोले तो बॉर्डर है और प्रतापगढ़ का भी बॉर्डर है क्योंकि प्रतापगढ़ यहाँ से शुरू होता है गुलालपुर के बाद से। और अभी जस्ट यहाँ से फिर निकलते हैं, देखते हैं वापस सहरवा चलना है हमको। और अभी तक जो एक्सपीरियंस रहा लोगों को रुकवा करके बैठने का, जो हाइकिंग का एक्सपीरियंस रहा, हाइकिंग ही बोलते हैं क्या बोलते हैं जो भी है, जो एक्सपीरियंस था काफ़ी सही था और थोड़ा मज़ा भी आती है। तो एंजॉय करिए ट्रिप, बाकी सब बढ़िया। बाकी इधर का नज़ारा भी थोड़ा सा आप लोग देख ही लीजिए, जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है काफ़ी सही है। तो ये सहराबाद देख सकते हैं, ये मंदिर है हनुमान जी की। और अभी निकलते हैं यहाँ से। तो फिलहाल वीडियो में अभी तक इतना ही और आई होप आप लोगों को पसंद आया। पसंद आया तो लाइक करना, नीचे करना कमेंट और बताना आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। और मिलते हैं किसी बढ़िया से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। जय माता दी, जय श्री राम।